Everybody and welcome back to my channel. Today in this video I have come up with a new chapter, that is journal pathology. Aaj video mein journal pathology ka start karne wale hain. Ye first video hai uski. Side by side hamare baaki subjects bhi chal rahe hain, jaise ki radiology chal raha hai aur saath mein oral pathology bhi chal raha hai. So we are also starting with the new series also, so that ek hi subject bar bar thoda bore na ho jaye. So we are doing different types of subjects at a one time. So let's get started with journal patho. Kuch logon ko journal patho bahut mushkil lagti hai, kuch logon ko bahut achhi lagti hai, but in regard to dentists, jitne bhi dentists hote hain, dental field ke jo log hote hain, unko pathology thodi si difficult lagti hai, because this is main subject for MBBS aur dental mein itna nahi padhate, but हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. सो पैथोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड ऑल्सो डू पैथोलॉजी ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ अ सिनॉप्सिस, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो एंड आई विल बी कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड बीच बीच में मैं आपको उनकी इमेजेस भी दिखा दूँगी ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ. थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बिकॉज नई चीज़ें होती हैं, बट अगर आप देखोगे वैसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है. पैथोलॉजी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ओके, तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज़ अबाउट सेल हेल्थ एंड डिजीज़. ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को उन लोगों के लिए जो नए हैं मेरे चैनल पर. दिस चैनल इज़ फॉर दोज हु आर डूइंग द BDS एंड वॉन्ट टू डू देयर MDS और वॉन्ट टू गिव एनी एग्ज़ाम. सो आप जितना भी डेंटल स्टफ़ है वो यहाँ पर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं. काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने पहले से कर रखे हैं और काफ़ी सारे साथ में चल रहे हैं. सो आई होप दैट यू विल फाइंड समथिंग इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम ईच एंड एवरी वीडियो, एंड आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग इट ऑल्सो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वॉन्ट टू मेक मी डू सम अदर स्टफ ऑल्सो, इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज, सो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट एंड आई विल गेट इट. सो विल गेट स्टार्टेड. पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सेल हेल्थ एंड इंजरी है. इसमें बेसिक सेल की चीज़ें बताई हुई हैं, बेसिक टर्म्स हैं कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इमियोसाइटोसिस क्या होता है, नॉर्मल टर्म हाइपोक्सिया किसको कहते हैं. बहुत सारी टर्म्स होती हैं मेडिकल में जो जिनका अलग ही मतलब होता है और वो बहुत यूज़ करी जाती हैं, उनका मतलब प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए. तो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पिनोसाइटोसिस के बारे में बात हुई है, पहले तो सेल के बारे में बात चल रही है. ठीक है, ये एक सेल है, हमें सबको पता है सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA होता है. उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्म में क्रिटिकुलम होता है, उसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारा बेसिक चीज़ है ये. तो बहुत 8th 9th में पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर. तो थोड़ा सा हम सेल की ऑर्गेनलीज वगैरह हमें पता है, मेन ऑर्गेनलीज का क्या काम है वो भी हमें पता है. अब हम कुछ और बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसमें बोला है इसने पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस एक टर्म यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ स्मॉल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बाय द सेल, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग. ठीक है, तो सेल को कुछ ना कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होता है. नाउ लेट मी क्लियर यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट फ्लूइड के अंदर सिर्फ लिक्विड नहीं आता, फ्लूइड के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो अपने आप को अपनी शेप चेंज कर सकती हैं, फ्लूइडिटी जिनके अंदर प्रेजेंट रहती है. सो इट कैन बी वाटर समथिंग, इट कैन बी एनी लिक्विड. ओके, सो दैट इज़ फ्लूइड इनटेक. सो इनटेक ऑफ स्मॉल फ्लूइड्स बाय सेल इज़ पिनोसाइटोसिस, एक टर्म हमें पता चल गई. तो अब आपको ये टर्म याद रखनी है, पिनोसाइटोसिस इतनी कॉमन यूज़ नहीं होती, बट एक जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहिए कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ इमियोसाइटोसिस. व्हाट डज इट मीन, उल्टा होता है ये, दिस इज़ द रिवर्स पिनोसाइटोसिस, मतलब उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को सेल से बाहर निकालना. ठीक है, सेल में अगर कोई ऐसी चीज़ें बनी जो वो नहीं रखना चाहता, वो बाहर निकालना चाहता है, तो अ काइंड ऑफ वॉमिटिंग टाइप ऑफ चीज़ टू जस्ट टेक आउट द मटीरियल फ्राम द सेल इन टू द आउटर इन्वायरमेंट, दैट इज़ रिवर्स पिनोसाइटोसिस और इमियोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दो टर्म्स हमें पता चल गई. उसके बाद जो तीसरी टर्म यहाँ पे बात करी जा रही है,
दैट इज़ अबाउट फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस सबको पता होता है, बहुत ही कॉमन टर्म है फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, कुछ चीज़ों को इनगल्फ कर लेना, ठीक है, इनगल्फ करने का, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ईटिंग, खा लेना, कुछ चीज़ों को इनगल्फ करने का, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स पता चली. चौथी टर्म जो यहाँ पे बात करी गई है, दैट इज़ हाइपोक्सिया. अब आपको पता होना चाहिए हाइपोक्सिया क्या होता है. हाइपोक्सिया का एक ही मतलब निकल के आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब आप इसको कैसे याद रखोगे, मैं कैसे याद रखती हूँ इसको, जब कहीं पे भी ब्लड नहीं पहुँचेगा, जब कहीं पे भी ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड का मेन काम क्या होता है, गैसेस को कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन को सेल्स में लेके जाना और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेकर के वापस से बाहर लंग्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकालना, ये हमारा काम होता है ब्लड का, टू ट्रैवल और टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. और अगर कहीं पे ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 इकट्ठी हो जाएगी. और दूसरी सबसे बड़ी बात, CO2 की बजाय वो जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल अपना खाना नहीं बना पाएंगे. मतलब सेल क्या करते हैं, सेल ऑक्सीजन लेकर के जो भी चीज़ें, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो भी शुगर्स वगैरह होती हैं, इनको तोड़ते हैं. तो ऑक्सीजन यूज़ करके जो भी ग्लूकोज वगैरह होता है उसको तोड़ के उससे ATP निकालते हैं. वो ATP हमारे लिए ज़रूरी होती है बॉडी को रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए. तो अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली नेक्रोसिस और ये सब चीज़ें होती हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोक्सिया. तो हाइपोक्सिया इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी. अगर सेल में इंजरी का सबसे ज़्यादा चांस रहता है वो हाइपोक्सिया की वजह से होता है. नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इट इज़ द फर्स्ट सेल प्रोसेस टू बी इफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया. मतलब क्या होता है, अगर हाइपोक्सिया हो जाएगा, अगर ब्लड नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन बेसिकली नहीं मिलेगी, तो जो सबसे पहली प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो अफेक्ट होती है. ऑक्सीजन की हेल्प में फॉस्फोरिलेशन होती है जिससे कि ATP बनते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंजरी हो जाएगी सेल में. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, न्यूरॉन्स हैव द हाई ससेप्टेबिलिटी टू स्टीम. सबको पता है जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनके वो सबसे ज़्यादा हाई ससेप्टेबिलिटी होती है. जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं बहुत कम टाइम में, वो न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट 3 to 5 minutes में असर आना शुरू हो जाता है इनके ऊपर अगर ऑक्सीजन ना मिले. फिर न्यूरॉन्स के बाद मायोकार्डियम, हेपेटोसाइट्स, रीनल एपिथीलियम होती है विच इज ससेप्टेबल. मतलब अगर हम उसके बाद बात करें तो जो हमारा हार्ट होता है, ये लिवर और किडनी, ये तीन ऑर्गन्स जो होते हैं, ये 30 minutes के बाद इनमें प्रॉब्लम्स होंगी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो. मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट से लेकर के 2 hours तक का इनका पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, या फिर आप कह सकते हो ससेप्टेबिलिटी पीरियड होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, दैट इज़ अबाउट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. ठीक है, तो एक सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे निकल के आती है, नेक्रोसिस. नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है सेल डेथ. अब ये 5 टाइप की होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहती है वो होती है कोएगुलेटिव. कोएगुलेटिव के बाद हमारे पास आती है कीशियस. कीशियस के बाद हम आती है कॉलीगेटिव. कॉलीगेटिव के बाद हमारे पास आती है फैट. फैट के बाद हमारे पास आती है फिब्रिनोइड. तो ये हमारे पास 5 basic types होती हैं नेक्रोसिस की. इसमें से जो कोएगुलेटिव वाली जो होती है उसको हम लिक्विफैक्टिव भी बोलते हैं, और ये इन दोनों का समअप होता है. ठीक है, तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की बात करी गई है. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली हाइपोक्सिया की वजह से रहती है. ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होती है कोएगुलेटिव वाली, वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होती है. मोस्ट कॉमनली ये कहाँ कहाँ दिखती है, कौन कौन से ऑर्गन में दिखती है, आप इसका एक छोटा सा निमोनिक याद रख सकते हो, HSK. HSK मतलब हार्ट, स्प्लीन, किडनी. जो हार्ट होता है उसमें मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के. उसके बाद स्प्लीन में चांसेस रहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के. उसके बाद किडनीज में चांसेस रहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के. ठीक है,
ठीक है. तो दिस इज अबाउट कोएगुलेटरी नेक्रोसिस. फिर आती है हमारे पास एक सेल इंजरी करके एक टर्म आती है, सेल इंजरी. और ये बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी. कुछ सेल इंजरीज रिवर्सिबल रहती हैं, कुछ इरिवर्सिबल रहती हैं. इरिवर्सिबल जैसे कि अगर सेल डेथ हो जाए, नेक्रोसिस, या फिर एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी डिटेल में, बट एपोप्टोसिस वो ऑनलाइन में डिफाइन करें तो सेल डेथ, ओन सेल डेथ, या फिर आप कह सकते हो प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, ये सब चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, वापस से चेंज नहीं हो सकती. बट जो रिवर्सिबल सेल इंजरीज होती हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, स्वेलिंग या फिर एडीमा टाइप आप कह सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट रिवर्सिबल चेंजेस. उसके बाद क्या होता है, डीजनरेशन. डीजनरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड. डीजनरेशन एक रिवर्सिबल चेंज होती है. डीजनरेशन अब कई टाइप की हो सकती है. ठीक है, हाइलिन डीजनरेशन, ठीक है, और फिब्रिनॉइड डीजनरेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवर्सिबल के अंदर आती हैं. शेप चेंज हो जाना, डीजनरेशन हो जाना, ठीक है, ये सब रिवर्सिबल होता है, ये कैन बी चेंज्ड ना. अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास डीजनरेशन की. तो डीजनरेशन एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, लेकिन सेल डेथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है. ठीक है, हमने बात कर ली. अब डीजनरेशन कई टाइप की होती है. डीजनरेशन कैन बी क्लाउडी, इट कैन बी क्लाउडी स्वेलिंग, इट कैन बी हाइड्रोफिक, इट कैन बी हाइलिन, इट कैन बी म्यूकॉइड. तो चार टाइप की डीजनरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्लाउडी डीजनरेशन, हाइड्रोफिक डीजनरेशन, हाइलिन डीजनरेशन एंड म्यूकॉइड डीजनरेशन. इसमें से जो हाइलिन वाली रहती है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, बाकी तीनों इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद यहाँ पे बात हुई हुई है कि क्लाउडी डी जनरेशन में एल्ब्यूमिनस डी जनरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है उसकी वजह से होती है. हाइड्रोफिक वाली को हम वैस्कुलर बोलते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब रहती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं. फिर क्लाउडी डी जनरेशन इज द मोस्ट कॉमन डी जनरेशन. इट डजंट अकर इन द लंग्स. ये लंग्स में नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ होती है. कभी भी अगर लंग्स के बारे में लिखेंगे क्लाउडी डी जनरेशन तो आपको वो फॉल्स मार्क करना है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्लाउडी डी जनरेशन इज द मोस्ट कॉमन डी जनरेशन. सबसे ज़्यादा कॉमनली जो डी जनरेशन की टाइप्स हैं उसमें से क्लाउडी वन सबसे कॉमन रहती है. उसके बाद यहाँ पे बात हुई हुई है इंट्रासेलुलर हाइलिन डी जनरेशन. हाइलिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट डी जनरेशन. और यहाँ पे तीन टाइप्स के बात हुई हुई है हाइलिन की. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है हाइलिन में वो है जेंकर, दूसरी है मलोरी, तीसरी है रसल बॉडी. तो जेंको जो डीजनरेशन दिखती है वो थायरॉयड टाइफाइड फीवर में दिखती है, स्पेशली इन द स्ट्राइटेड मसल्स. मलोरी जो हाइलिन डीजनरेशन है दैट इज सीन इन द अल्कोहलिक लिवर सेल इंजरीज. मतलब जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है, उसमें जेंकर मलोरी देखने को मिलती है. और जो एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबिन होते हैं प्लाज्मा में, अगर इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से रसल बॉडीज डीजनरेशन देखने को मिलती है. ठीक, तो सबसे पहले तो डीजनरेशन को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं ज़रा एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट, छोटा है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में एक डिफरेंस बता देना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है. एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है, मतलब सब क्यूरियस होते हैं. पैथोलॉजी में समझ ही नहीं आता कि एपोप्टोसिस के, ठीक है, एक बार समझ में आई कि एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, प्रोग्रामिंग सेल डेथ है, मतलब प्रोग्राम्ड है, जैसे कि किसी ने कोई कोड फिक्स कर रखा है कि भाई ये कोड अगर मैं यूज़ करूँगा तो सेल डेथ हो जाएगी, और वो बॉडी जब उसको यूज़ करती है तो सेल डेथ हो जाती है. मतलब प्रोग्राम्ड है, बॉडी ने खुद करा है. ठीक है, नेक्रोसिस ऐसा कुछ नहीं होता, नेक्रोसिस प्रोग्राम नहीं होती, कोई इंजरी वगैरह होने की वजह से सेल डेथ होती है. ठीक है, ये तो बात समझ में आती है. अब बाकी चीज़ें क्या होती हैं, देखो जब भी नेक्रोसिस होगी ना, जब भी नेक्रोसिस होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, टिश्यू इन्फ्लेम हो जाएगा, सूज जाएगा, दर्द हो जाएगा, उसमें वॉर्म हो जाएगा. इन्फ्लेमेशन के जो फाइव कार्डिनल साइंस रहते हैं, रेडनेस हो जाना, कलर चेंज हो जाना, वॉर्म हो जाना, स्वेलअप हो जाना,
चेंज इन शेप, ठीक है, फंक्शनिंग ना होना उसकी, जो भी फंक्शन करता है वो ना करना, उसमें पेन हो जाना, ये सब 5 कार्डिनल साइंस उसमें दिखाई देंगे। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सबसे मेन चीज़ रहता है नेक्रोसिस का, लेकिन एपोप्टोसिस में वो चीज़ नहीं होती, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, पता भी नहीं चलेगा बाहर के भी क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। दूसरी बड़ी जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है क्या है कि एपोप्टोसिस जो है वो सिंगल सेल डेथ भी हो सकती है, मतलब कि बॉडी में मान लो 1000 सेल हैं, उसमें से एक सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उस एक सेल की जो गड़बड़ी थी उसकी वजह से बॉडी ने उसको कहा कि अभी ये सेल को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बॉडी पे इफेक्ट आ जाएगा। तो अब वो जो एक सेल बच गया था, जो ख़राब हो गया था, वो अगर वो फिर बॉडी उसको ख़त्म कर देगी या एपोप्टोसिस उसमें होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो दैट इज़ सिंगल सेल डेथ। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा कभी नहीं होता, नेक्रोसिस में कभी भी सिंगल सेल डेथ नहीं होती, कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई टिश्यू, कोई ना कोई पार्ट ऑफ टिश्यू, काफ़ी सारा होता है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है एपोप्टोसिस में वो क्या होता है कि जो सेल होता है, जो सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, इंटैक्ट रहती है, मतलब मरने दम तक इंटैक्ट रहती है। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता, नेक्रोसिस में जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, उसके अंदर जो भी है कुछ घुस जाता है, बाहर निकल जाता है, जो भी है वो सब हो जाता है, लेकिन एपोप्टोसिस की सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है। दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेज दैट यू नो अबाउट नेक्रोसिस एपोप्टोसिस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं एक बार, अब कुछ रहना गया। देखो बेल्ब्स जो होते हैं, बेल्ब्स का क्या मतलब होता है, ये जो शेप चेंज आती है सेल में, ये जो ऐसे ऐसे बेल्ब्स बन जाते हैं, दिस इज़ बेल्ब्स, ये दोनों में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रहती है, एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज, सेल जो है वो पहले ऐसा होता है, फिर वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक होके ख़त्म होता है, तो उससे श्रिंकेज वगैरह हुई। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है इसका, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बात चल रही है कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है नेक्रोसिस में एंड रिलीजेज द सेल कंटेंट्स एंड ऑर्गेनलीज इन द आउटसाइड एनवायरमेंट, दिस इज़ द मेन थिंग। वो रप्चर हो जाएगा उसका मेम्ब्रेन और उसमें सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। लेकिन एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं रहता, एपोप्टोसिस में उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है, उसके सारे ऑर्गेनलीज अंदर ही रहते हैं और अंदर ही उनके अंदर लाइजाइम्स या जो भी इंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट करके उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे एपोप्टोसिस में कि जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है पीसीज में, तो इसके अंदर बेहतरीन 3 चीज़ें रहती हैं जो कि पूछते हैं लोग, पिकनोसिस होता है, पिकनोसिस का क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन हो जाना, मतलब जैसे कि अगर ऐसे ऐसे फैला हुआ है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस अपने आप को कंडेंस कर लेगा, दैट इज़ पिकनोसिस। दूसरी चीज़ जो होती है यहाँ पे, फर्स्ट होती है पिकनोसिस, दूसरी चीज़ जो एपोप्टोसिस के अंदर देखी जाती है दैट इज़ केरियोहेक्सिस होता है। हेक्सिस का क्या मतलब होता है, केरियोहेक्सिस, फ्रेगमेंटेशन हो जाना, केरियोहेक्सिस। और एक होता है केरियोलाइसिस, केरियोलाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट अगर हो जाता है तो वो केरियोहेक्सिस बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियस का अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसको हम केरियोलाइसिस बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज पिकनोसिस, देन देर इज केरियोहेक्सिस और केरियोलाइसिस, ये 3 चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं, कौन से में, एपोप्टोसिस प्रोसेस में होती हैं, न्यूक्लियस के साथ ये सब होता है एपोप्टोसिस प्रोसेस में। तो ये जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये जो इमेज आप देख रहे हो नेक्रोसिस की टाइप्स हैं, जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताई थी, लिक्विफेक्टिव, केशियस, फैट, कोएगुलेटिव, गैंग्रीन, इसमें आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जांपल्स बता होनी चाहिए कि भी कौन सा किस में होता है, प्रॉपर बता होना चाहिए। लिक्विफेक्टिव सबसे पहले हमने पढ़ा था कोएगुलेटिव, कोएगुलेटिव इज़ अ वेरी कॉमन नेक्रोसिस, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, हाइपोक्सिया में होता है, और इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, HSK आपको याद रखना है, हार्ट, लिवर, हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीन नहीं लिखा हुआ, बट जो प्रॉपर पल्स है हमारी उसमें स्प्लीन लिखा हुआ है, तो हम स्प्लीन ही लर्न करेंगे। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे होती है केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस इज़ द फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पे होता है, लंग्स में।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो केशियस नेक्रोसिस का एग्जांपल है वो हमेशा लंग्स मिलेगा। लीक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो होती है उसको कॉलीगेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं, और ये जो कॉलीगेटिव नेक्रोसिस होती है ये कॉम्बिनेशन होता है केशियस और कोएगुलेटिव का, और ये ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। जो भी सेंट्रल ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कैन यू अप्रिशिएट दीज स्मॉल गायरीज ओवर हेयर, दीज गायरीज, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। देन यू नीड टू नो अबाउट फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये दो इसी में ही मिलेंगी, ब्रेस्ट में मिलती हैं और पैनक्रियाज में मिलती है। इसमें क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। और तीसरा जो पाँचवा जो हमने पढ़ा था पल्स के हिसाब से, दैट वॉज अबाउट फिब्रिनोइड पढ़ा था हमने। तो फिब्रिनोइड कहाँ होता है, फिब्रिनोइड ब्लड वेसल्स में, पेप्टिक अल्सर में, हाइपरटेंशन के केसेस में, इन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। गैंग्रीन जो है वो अलग टॉपिक है, गैंग्रीन को अलग तरीके से लेंगे। जो तीन टाइप का रहता है, वेट, ड्राई और गैस गैंग्रीन, तो हम अलग से लेंगे। ये नेक्रोसिस की टाइप्स थी और नेक्रोसिस के बारे में था ये। यू कैन अप्रिशिएट हियर, दिस इज द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस सीन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड लेट मी गिव यू अदर एग्जांपल्स। दिस वन विच यू कैन सी हियर, ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज केशियस नेक्रोसिस। एंड let me show you this, can you see this colligative necrosis, these small white areas, white black areas, this is colligative necrosis which is seen in heart, spleen and kidneys. Okay, this is about this. Now can you appreciate this histological diagram, this is fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis mein aise ek fibrin kyunki फिब्रिन का कलेक्शन होता है इसके अंदर, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना पिंक 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 कलर का, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। नाउ दीज आर सम ऑफ द डिफरेंशियल हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स दैट यू कैन अप्रिशिएट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। किडनीज में ऐसा दिखता है, हार्ट में इस टाइप का होता है, स्प्लीन में ऐसा दिखेगा, लिवर में ऐसा दिखता है। तो ये इनके आगे आगे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि पिक्चर में कैसा दिखता है वो मैंने इसलिए दिखाया। Can you see this? This is Mallory Hyaline degeneration. Mallory Hyaline degeneration, जो basically typhoid fever में striated muscles के अंदर दिखाई देती है, इस type से होता है। Sorry, I think I have mistaken this. Mallory जो Mallory degeneration होती है, Hyaline degeneration की जो type होती है वो हमें लिवर में दिखाई देती है, जो अल्कोहलिक लिवर सेल इंजरी होती है, जो लोगों में अल्कोहलिक ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, लिवर ख़राब हो जाता है अल्कोहल की वजह से, उनके जो सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं, तो उसमें ये मैलोरी डीजनरेशन, मैलोरी हाइलिन डीजनरेशन उन लोगों में दिखाई देती है। तो ये उस टाइप का डायग्राम है। नाउ दिस इज़ अबाउट जेंकर डीजनरेशन, जो कि स्ट्राइटेड मसल्स में दिखाई देती है इन केसेज ऑफ टाइफाइड फीवर। दिस इज़ अ टाइप ऑफ हाइलिन डीजनरेशन। These are the Russell bodies. Russell body, this is type 3 hyaline degeneration. Now let's get back to the point number 11, which is saying extracellular hyaline degeneration, that is hyalinized scar, hyalinized atherosclerosis, hyalinized glomeruli. So, ye extracellular rehta hai. Atherosclerosis, old scar or glomeruli. Now, 12th point is about apoptosis. Apoptosis I have already told you that it's a physiological or programmed cell death, which is इसका एक main example जो apoptosis का होता है वो होता है hormone dependent endometrial shedding during menstrual cycle. जो menses होते हैं उसमें जो blood आता है वो because किस वजह से आता है, hormone dependent endometrial shedding. Endometrium जो होती है उसकी shedding हो जाती है hormones की वजह से, तो वो एक प्रॉपर एग्जांपल रहता है एपोप्टोसिस का। नेक्स्ट इज अबाउट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज फोकल सेल डेथ। ठीक है, वन वर्ड आंसर, इट्स अ फोकल वर्ड इसमें यूज करते हैं। गैंग्रीन जो होती है वो भी नेक्रोसिस होती है, लेकिन उसमें सुपर एडेड पुट्रिफिकेशन होती है। पुट्रिफिकेशन वर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पस बन जाती है उसके अंदर।
और नेक्रोबायोसिस इज अ नेक्रोसिस प्रोसीडेड बाय डीजनरेशन. डीजनरेशन के बाद जब नेक्रोसिस होती है तो उसको नेक्रोबायोसिस कहते हैं, लेकिन अगर बिना डीजनरेशन के नेक्रोसिस है दैट इज नॉर्मल नेक्रोसिस. अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर. फैटी लीवर सबको पता है, फैटी लीवर डीजनरेशन, फैटी लीवर सेल इंजरी जो होती है जिसमें कि मेलोरी डीजनरेशन दिखती है, वो अल्कोहल जो है वो मेन इटियोलॉजिकल फीचर रहता है उसके अंदर. अब ये नेक्रोसिस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू टूम्बस्टोन अपीयरेंस. ये इंपॉर्टेंट है, टूम्बस्टोन अपीयरेंस इस हिसाब से दिखाई देता है, आप देख सकते हो टूम्बस्टोन अपीयरेंस. उसके बाद इसका एग्जांपल है हार्ट, किडनी और स्प्लीन, ठीक है. लेकिन फैक्टिव नेक्रोसिस होती है उसको कॉलिगेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं. ये ब्रेन और एब्सेस कैविटी में दिखाई देता है. एब्सेस कैविटी, जितनी भी एब्सेस, जितनी भी जो पस वाली चीज़ें होती हैं वो लिक्विफैक्टिव होती हैं. लिक्विफैक्टिव पस सेल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर. हीशियस नेक्रोसिस जो रहता है, ये मैंने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बना रखा है. ये बेसिकली उसका है, दिस इज टॉकिंग अबाउट टीबी ऑफ लंग्स, ओके. एंड इट्स अ मोस्ट, इट इज मोस्टली mostly due to lipopolysaccharide present in the capsules of myobacterium. Caseous necrosis, आप हमेशा याद रखना caseous necrosis का एक ही एग्जाम्पल होता है lungs. Lungs में अगर दिख रहा है तो caseous necrosis है. Now next is about fats. और ये जो fats का होता है दो चीज़ों में दिखाई देता है, breast में और pancreas में. Special form of necrosis occurring in two anatomically different locations but morphologically similar lesions. Next is fibrinoid. फिब्रिनॉइड विच ऑकर्स इन फिब्र, करेक्टरिस्टिक डिपोजिशन हो जाती है फिब्रिन लाइक मटेरियल की. और कहाँ पे दिखाई देता है ये वैस्कुलर डिजीज में दिखाई देता है, ऑटो इम्यून डिजीज में दिखाई देता है, हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर्स में दिखाई देता है, ठीक है. मेन एक फीचर जो इसका मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी जो पेपर में पूछता है, एश ऑफ बॉडीज दिखाई देती हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में, एश ऑफ बॉडीज. ये सब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं जो पूछ जाते हैं, तो आपको हिस्टोलॉजिकल फीचर्स अच्छे से पता होने चाहिए. एश ऑफ बॉडीज इसके अंदर दिखाई देंगी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट गैंग्रीन. अब गैंग्रीन क्या होता है? इट्स अ डेथ ऑफ पार्ट अकम्पेन्ड बाय पुट्रिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज द थ्री डिफरेंट पॉइंट्स दैट इम्पॉर्टेंट, राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस एंड लीवर मोर्टिस. ये सब डेथ के बाद जो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर उनके बारे में हैं. राइगर मोर्टिस का क्या मतलब होता है? राइगर का मतलब आप लगा सकते हो रिजिडिटी. अब क्या होता है, डेथ के बाद जितना भी मसल रहता है वो रिजिड हो जाता है, अकड़ जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं राइगर मोर्टिस. और क्यों होता है ये? क्योंकि प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है उनके अंदर, प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो मसल्स अकड़ जाते हैं, मुड़ते नहीं है आसानी से. दिस इज राइगर मोर्टिस. नेक्स्ट इज एल्गर मोर्टिस. एल्गर मोर्टिस क्या क्या मतलब होता है? जो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, डेड बॉडी ठंडी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ सेशन ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में हो रही है वो रुक जाती हैं, तो एल्गर मोर्टिस. नेक्स्ट इज लिवर मोर्टिस. लिवर मोर्टिस का क्या मतलब होता है? जो कलर चेंज हो जाता है बॉडी का, रेडिश, पर्पलिश, डिसकलरेशन आती है अकरिंग ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड. जो भी ब्लड है बॉडी में वो रुक जाता है, वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है अब, क्योंकि सर्कुलेट का काम कौन करता था? हार्ट. अब जो बॉडी डेड है तो ब्लड रुक गया, तो स्टैग्नेशन की वजह से सारा का सारा जो कलर है बॉडी का चेंज हो जाता है, दैट इज लिवर मोर्टिस, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमाइलॉयड. अमाइलॉयड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा पैथोलॉजी में अमाइलॉयड. अमाइलॉयड कुछ नहीं है, एक टाइप का प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. बस फ़र्क क्या होता है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जमा हो जाता है, हैफजर्डली, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इसमें ढंग से. तो ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में डिपोजिशन होती है प्रोटीन की, इसको हम अमाइलॉयड बोलते हैं. अब अमाइलॉयड में दो टाइप का है, एक अमाइलॉयड लाइक प्रोटीन होता है, एक अमाइलॉयड एसोसिएटेड प्रोटीन होता है. जो अमाइलॉयड लाइक प्रोटीन होता है वो प्राइमरी प्रोटीन रहता है, जो अमाइलॉयड एसोसिएटेड है वो सेकेंडरी रहता है. जब ये डिपॉजिट हो जाता है इसको सेकेंडरी एमाइलॉयडोसिस कहते हैं, जब ये डिपॉजिट होता है इसको प्राइमरी एमाइलॉयडोसिस बोलते हैं. उसके बाद
कौन कौन से ऑर्गन्स में ये डिपॉजिट रहता है ये पता होना चाहिए. जो हमारे लाइक प्रोटीन्स रहते हैं वो मैलिग्नेंट मेलिनोमा एक कंडीशन होती है, ठीक है, मैलिग्नेंट कंडीशन है, उसमें ये देखने को मिलता है. प्लाज्मा सेल डिस्कैरियसिस का एक फॉर्म है ये. अमायलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन जो होता है वो टीबी में, लेप्रोसी में, इन सब चीज़ों में, क्रॉनिक चीज़ों में, इन्फेक्शनस नॉन इन्फेक्शनस दोनों में मिलता है, बट क्रॉनिक में मिलता है. और ये लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में और एड्रीनल्स में देखने को मिलता है, ठीक है. ये ऑर्गन्स आपको याद होने चाहिए. और सबसे ज़्यादा अमायलॉइड जो है वो किडनीज में मिलता है. किडनी इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ अमायलॉइड, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. किडनी मोस्ट कॉमन रहता है. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा डिपोजिशन इज सीन इन टंग ऑल्सो एंड जाइवा ऑल्सो. अगर इंट्राओरली अगर कोई पूछता है कि बताओ इंट्राओरली कहाँ मिलता है, तो टंग में मिलेगा, तो जाइवा में मिलेगा. हमारा डिपोजिशन इन टंग रिजल्ट्स इन मैक्रोक्रोसिया. अगर टंग में हमारा डिपॉजिट हो जाता है तो टंग बड़ी हो जाती है साइज में, और जिंजाइवा में अगर हो जाएगा तो जिंजाइवा लार्जमेंट हो जाएगी. उन केसेस में हमें बायोप्सी करनी होती है, विच इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस अमायलॉइडोसिस, ठीक है. हमारा डायग्नोसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अमायलॉइडोसिस है या नहीं है. अब हमारे पास तीन टर्म्स यहाँ पे बात करी गई हैं, एंथ्रोकोसिस, सिलिकोसिस और सिलिकोसिड्रोसिस. पता होनी चाहिए. एंथ्रोकोसिस इज समथिंग विच इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. आई थिंक बहुत पहले भी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि कार्बन पार्टिकल्स जो कि एक्यूमुलेट, एंथ्रोकोसिस बोलते हैं उसको. सिलिकोसिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिलिका पार्टिकल्स. एंड सिलिकोसिड्रोसिस, देखो सिड्रोसिस वर्ड है यहाँ पे, सिड्रोसिस इज रिलेटेड टू ब्लड. तो सिलिकोसिड्रोसिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ हेमेटाइट. इट्स अ आयरन ऑक्साइड. जो बॉडी में आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट बढ़ जाता है तो सिलिकोसिड्रोसिस कंडीशन होती है वो. नाउ मोस्ट कॉमन, अब यहाँ पे निमोनिया की बात हो रही है, तो मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस किस वजह से होता है? विच अंडरगोस मैलिग्नेंट चेंजेस. मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो एस्बेस्टोसिस होता है, सॉरी एस्बेस्टोसिस, इट्स समथिंग एक्सपोजर ऑफ द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज ऑफ माइनिंग सैंड एंड ऑल. उस केस में जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं ये जमा हो जाते हैं, निमोनिया कॉज कर देते हैं. तो ये जो कॉज है एस्बेस्टोसिस जो है, ये एस्बेस्टोसिस कैन चेंज इनटू मैलिग्नेंट कंडीशंस. तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, पता होना चाहिए. इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वर्कर्स को, वहाँ पे मास्क वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए उनको. नेक्स्ट कंडीशन इज ऑन्क्रोनोसिस. ऑन्क्रोनोसिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड विच एक्युमुलेट्स इन टिश्यूज एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन. क्या होता है, टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से होमोजेंटेसिक एसिड जो है उनके बीच में ऐसे एक्युमुलेट हो जाता है. तो उसको तोड़ने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइज एंजाइम चाहिए होता है. वो एंजाइम अगर नहीं मिलता, उसकी डिफिशेंसी अगर हो जाएगी, तो ऑन्क्रोनोसिस हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट जॉन्डिस. जॉन्डिस के बारे में सारी बातें करी गई हैं. जॉन्डिस बेसिकली हीमोलिटिक जॉन्डिस कौन सा होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कौन सा होता है. हीमोलिटिक जॉन्डिस में बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स है. जॉन्डिस की बात कर रहे हैं तो जॉन्डिस में पहली चीज़ जो है हीमोलिटिक टाइप, हीमोलिटिक जॉन्डिस. इसमें जो बिलीरूबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है. ये चीज़ याद रखनी होनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन हीमोलिटिक जॉन्डिस में होता है. हीमोलिटिक का क्या मतलब होता है? हीमोलाइटिक मतलब लाइसिस. किसका? ब्लड का. ब्लड को लाइस करके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बिलीरूबिन निकलता है, वो जो बिलीरूबिन निकलता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है. वाइल इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव में कुछ हीमोलिसिस नहीं हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई पाइप, कोई डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, उसकी वजह से चीज़ें फ्लो नहीं हो पा रही, तो उसमें जो बिलीरूबिन रहेगा वो कॉन्जुगेटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको मौका मिल जाएगा कॉन्जुगेट होने का, दैट इज़ कॉन्जुगेटेड. तो ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए टिप्स पर. बिलीरूबिन एंड बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन आर प्रेजेंट इन हीमोलिटिक. अब देखो हीमोलिटिक है, हीमोलिटिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो चीज़ें आसानी से फ्लो कर रही हैं, तो फ्लो करके यूरिन में आ रही हैं, तो बिलीरूबिन और बायोसॉल्ट्स यूरिन में दिखेंगे, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको नहीं दिखेंगे. ओके सॉरी, आई थिंक आई मेड इट रॉन्ग. दिस इज समथिंग
उल्टा हीमोलिटिक में आपको बिलीरुबिन और बाइल सॉल्स दिखाई देंगे और ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको बाइल सॉल्स और बिलीरुबिन यूरिन में नहीं दिखाई देगा। उल्टा हो गया था। ऑब्स्ट्रक्टिव में दिखेगा, हीमोलिटिक में नहीं दिखेगा। ये जो चीज़ें होती हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं, इस चीज़ को याद ही करना पड़ेगा कि हीमोलिटिक में हमें नहीं दिखाई देगा बल्कि ऑब्स्ट्रक्टिव में हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बिलीरुबिन और बाइल सॉल्स दिखाई देंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में एक चीज़ बिलीरुबिन कंजुगेटेड रहेगा और वो बाइल के साथ साथ आपको यूरिन में मिलेगा, लेकिन हीमोलिटिक में ना तो बिलीरुबिन कंजुगेटेड है ना ही यूरिन में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अबाउट इन्फ्लेमेशन रिपेयर एंड आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन स्टडिंग एंड बाय।